देखिए हम तो मगरमास लोग को ब्रुक्रेत को लगता है, तो अभी ब्रुक्रेत को कोई कह रहा है तो मगरमास होगा। हम बड़ा मछली, हमने तो मीडिया में सुना है बड़ा मछली, तो बड़ा मछली को पकड़ना है तो बड़ा मछली को अभी कोई कह रहा है तो तू मगरमास होगा ना, तो ये बोल रहे हैं। हम पार्टिकुलर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से हम सुनने में आ रहा है कि बड़ा मछली को पकड़ने, अभी बड़ा मछली को कोई कह रहा है। रिसेंट पास इंसिडेंट्स मीडिया पैटर्निटीज एंड जितना भी व्यूअर्स, मैं तनम तागु ऑल आदि यूथ एसोसिएशन संपूर्ण आदि युवा संगठन का प्रेसिडेंट, और ये हमारा जो अबुक गांव जी है, ये हमारा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को ये देखता है। और आज हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में बैठने का एक ही विषय है, एक क्लियर स्टैंड पॉइंट लेके हम यहाँ पे आए हैं। आपका पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो 18-23 में 13 पॉइंट जो रेजोल्यूशन मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को सबमिशन किया था उस विषय के लिए, तो जो 13 पॉइंट सबमिशन किया था उसमें आपका नंबर 9 नालेन बॉय, तो हमारा संगठन और हमारा समुदाय या अरुणाचल के जितना भी अफेक्टेड ये है, नॉट ओनली अफेक्टेड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से हम लोग का ये कहना है कि 13 पॉइंट में से आप 9 नंबर को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल रोल बैक करना है। ये कुछ ये इंडिविजुअल्स को, कुछ ग्रुप को, कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ये बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है, तो इसको हम नालेन बॉयड को क्यों ये कर रहे हैं सपोर्ट अगेंस्ट में है। ठीक है, नालेन बॉयड जो डिमांड किया था तो ये पार्स में किसी को क्लियर नहीं था। हम ये नहीं बोल रहे कि नालेन बॉयड गलत है, आपने गलत किया है। स्टीयरिंग कमेटी जो ज्वाइन पान अरुणाचल ज्वाइन स्टीयरिंग कमेटी को हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि आपने इंटेंशनली नहीं ये किया है, आपने इंटेंशनली इसमें कोई इल विल नेक्सस किया है, हमने ये नहीं कह रहा है। हम लोग का ये सोच है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर, ऐसे वोलेटाइल ये में कुछ लोगों ने इसको कंफ्यूजन, आउट ऑफ कंफ्यूजन में नालेन बॉयड को एडिशन किया है, क्यों सार्टर ऑफ डिमांड में एडिशन किया है, क्योंकि हम जितना भी अरुणाचल है, जितना भाई भाइया बहन जितना फॉरेंस है, सारा अरुणाचल का दुआएं ये जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आपसू आंसू जो भी इसको इश्यूज को स्पेयर हेड किया है, इसका ब्लेसिंग सबका दुआएं सभी का साथ में था, तो इसलिए हम ये सक्सेस हुआ है। गवर्नमेंट को ये इशू के ऊपर में सीरियस होने तक हमने लाया, ये सब यहाँ पे ईटानगर पे नए आने से भी हर डिस्ट्रिक्ट से, हर बस्ती से, हर जिला से सब साथ दिया है, तो इसी कारण ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ को देखा है कि हाँ ये सबका वॉइस दी गए, तो इसमें क्यों नहीं मानते हम लोग, क्योंकि ये देखिए 2014 ये काट ऑफ मार्क कौन सा बेसिस में कर रहा है, 2014 टू 2021 8 लॉन्ग ईयर्स, इसमें बेस्ट माइंड ऑफ द अरुणाचल वही आप एपीसीएस क्रैक करते हैं, तो बेस्ट माइंड ऑफ द अरुणाचल आप तारती पोर्ती या लेक्स एंड लेक्स स्टूडेंट्स का 2-3 थाउजेंड लोग ही इसको क्रैक कर पाए, तो अभी कोई एक्शन बन रहा है, कोई रेंजर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई सीओ बन रहा है, कोई एसी बन रहा है, कोई दूसरा में आ रहा है। अगर इसको अगर हम लोग अभी निकलता है विदाउट पल फ्रॉम देयर साइड तो ये क्या बॉम बनाएगा क्या, कल को ये प्रॉब्लम आएगा ना। इतना ब्रिलियंट ये माइंड लोग को हम उसका बिना गलती से
इसको हम निकला जाएगा, निकालेगा, गवर्नमेंट इसको नाले में बैठ करेगा, हमारा जॉइंट एक्शन स्टीयरिंग कमेटी इसको नाले में बैठ के लिए डिक्लेयर करेगा, कल को ये हमारा बोझ बनेगा। हाँ मानता है 20-15% तो कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई अच्छा स्टेप लेके कोई बैठेगा, लेकिन 80% तो आपका डिप्रेस में आएगा, सो पासे लगा के मर जाएगा, या ऐसे हो जाएगा कि सोसाइटी आपको काल को प्रेस पार्टी को या हमको जितना ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने का मन नहीं करेगा। वो अभी अभी मेरे लिए इतना काम कर रहा है, अरुणाचल का लीड कर रहा है, कोना कोना पे आपका सर्विस कर रहा है, अपना फैमिली का ये टाइम को छोड़ के, तो इसलिए कुछ चैलेंज करके अगर डालता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी का, इंडिविजुअल का, कोई ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये चीज ऐसे नहीं है। हमारा जॉइंट पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हमारा कहने पर ये गवर्नमेंट माना है ना, अरे ये पेरेंट्स लोग जो अफेक्टेड पेरेंट्स लोग है उन्होंने भी तो ब्लेसिंग दिया ना, उन्होंने भी तो दुआ दिया है, दुआएं दिए है, आप सब हमने दिया दुआ दिया है, तो उस समय मालूम नहीं था कि नालेन बोइत का क्लियरली, किसी को मालूम नहीं था कि नालेन बोइत का उसमें 13 पॉइंट में मेन एक टॉपिक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर नालेन बोइत को अगर इंक्लूड करके या नालेन बोइत पार्टिकुलर के लिए अभी अरुणाचल ये पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एक आंदोलन करके देखिए, उस दिन का जैन सैलाब में हम सोखता अभी डिवाइड हो जाएगा ना, नालेन बोइत के लिए नो बुदी उल काम। तो ये चीज मैंने हम लोग को अभी पता लग रहा है, और जो भी यहाँ पे लीडर्स लोग है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड लोग है, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ये लोग है, जो गलत चीज है, जो आपका गवर्नमेंट को आपका जोरदार करने के लिए ये पॉइंट डाला गया था, फिर भी सारा अरुणाचल को पता नहीं था, तो गलती हो गया, तो गलती को सुधारना, ये गलती करना कोई बुरा बात नहीं है, गलती को रेक्टिफाई करना, इसको फिर रोल बैक करने का स्टेप लेना, वही सबसे बड़ा बात होता है। तो इसलिए हम जॉइन पान अरुणाचल जॉइन स्टीयरिंग कमेटी और जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, सीधे से मैसेज है हम लोग का कि इसको फिर रिकंसिडरेशन करें, और थ्रू दिस मीडिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी हमारा तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि ये पॉइंट को कमीशन में ना भेजे, इसको आप रिकंसिडर करें, क्योंकि ये चीज डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और कोई कोई एस्पायरेंट लोग को भी हम लोग सुना है कि 2-3,000 अगर निकल जाएगा तो हम लोग को चांस मिलेगा, ये आशा में आंदोलन नहीं करना है, ये आशा में नहीं करना है, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कौन आएगा, लेकिन जिसने मिला है, हाँ मानता है इसमें शोर है, लेकिन ये शोर को पकड़ने के लिए तो इसलिए तो हम लोग साथ दे रहे हैं, जितना पेरेंट्स है, जितना इफेक्ट देते, जितना भाई बहन है, भाइया है, जितना दीदी बहन है, सब साथ दे रहा है, क्योंकि इसको घसीट के निकलना है। तो 2013 हो या 14 हो, 15 हो या 16 हो, जिस में आपका रॉन्ग ये है, सिस माल प्रैक्टिस हुआ है, इसको घसीट के निकालने के लिए तो हम लोग कमिटी बना के इतना गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं। अभी देखिए सीधा सा बात है, अभी सब तो आपका मीडिया में बोल रहे कि बड़ा मछली को आपका अभी तक आया नहीं, हम ओपनली बोल रहे हैं, 2-3 दिन का रिसेंट पास का इंसिडेंट देखिए, इसमें अभी सबको पता हो गया, सारा अरुणाचल को पता हो गया कि यहाँ में बड़ा मछली सिर्फ नहीं है, बड़ा मछली को खाने वाला मगरमाछ भी है। अगर मगरमाछ को आप जाल बिछाना है तो क्या आपसू, क्या आंसू, क्या ये पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, क्या हम एक दूसरे को क्या दोग जैसे फाइट करेगा, क्या इसमें कोई प्राइस है क्या? हम लोग को ऐसे लग रहा है कि आपसू भी इसका मेडल लेना चाहता है, आंसू भी लेना चाहता है, जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी भी लेना चाहता है,
एक दूसरे को वी आर लाइक फाइटिंग लाइक, क्या ये एक हम लोग को तो लगता है ये एक साजिश भी हो सकता है क्या? ऐसे करके ये मुद्दा को एंड करना चाहता है क्या? क्या ये द एंड हो रहा है क्या मुद्दा? तो इसलिए हमको यूनाइट करना है, अपसु अंशु और पान PAJSC को और यूनाइट करना है। और जितना भी अरुणाचल का कॉर्नर कॉर्नर में अब हर विलेज में हर माँ का, हर पिताजी का, हर भाई का, हर बाप बहन का दुआएं तो सब साथ में है। तो इसलिए हम लोग ये क्लियरली इनको इन लोगों को भी मैंने रिक्वेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इंटेलेक्चुअल का बात करता है, मीडिया में आके आप लोग कुत्ता जैसे फाइटिंग करता है, कुत्ता जैसे बक बक करता है। अरे ये तो एक इंटेलेक्चुअल का एक ये है, तो एक दूसरे को ये हमलावर नहीं होना चाहिए। हम जब यूनाइट होगा वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल। गवर्नमेंट ये चाहता भी होगा ना, मगरमास लोग ये चाहता भी होगा, चलो ये पार्टी को आपसू को निकाल देता है, चलो ये अंशु को निकाल देता है, चलो ये ऑर्गेनाइजेशन को निकाल देता है, तब तो आप एक दूसरे को हम लड़ेगा ना, ब्रिटिशर्स हमको जैसे किया था। तो इसलिए हमारा ऑल आदि यूथ एसोसिएशन और हमारा कम्युनिटी का तरफ से क्लियर कट मैसेज है कि ये नाल एंड वॉइड को क्लियरली रोल बैक करना है। नहीं होने से एक भाई का, एक भैया का, एक बहन का, एक दीदी का जो मेहनत है, जो परिश्रम करके वो आप सर्विस कर रहा है, इसको आप अगर कैंसिल करता है, नाल एंड वॉइड करता है, काल को वो डायरेक्ट अपना के लिए लड़ेगा। अभी तो ऐसे अंदाजा में लड़ा है ना, उस दिन का पाइप तो उस दिन का जीवन शैलाब तो अंदाज में आया, अभी तो एफेक्टेड डायरेक्ट वो ऑफिसर्स आएगा, वो इंडिविजुअल आएगा, तो इसलिए उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? तो ये चीज को गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। और ऑन ह्यूमैनिटेरियन अरुणाचल में अंडरस्टैंडिंग से चलता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का राइट इतना नहीं चलता है। देखिए आप डिलिमिटेशन, हम अरुणाचल गवर्नमेंट बोलने से सेंट्रल मान जाता है, तो इसलिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी एक दूसरे को हमको मदद करना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हुए ये चीज को काइंडली रोल बैक करना है विद इन माने लिमिटेड टाइम में। एक प्लेबिसाइट ओपिनियन नहीं करते ना, ये तो यहाँ से सोशल मीडिया सारा अरुणाचल इनको अपना अपना घर से सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट को भी आपको भी इसको मालूम है, तो भी जाके गवर्नमेंट भी ये चीज़ को लग रहा है ना। लेकिन वो चीज़ ये नहीं, वो हर इंडिविजुअल वो पेपर को देखा नहीं है ना, हम लोग तो ब्लब नहीं है, लेकिन हम लोग एक APCS में जो गलत हो रहा है उसको हम लोग साथ देते हैं। लेकिन ये जो राइट अप करता है कुछ ग्रुप ने करता है, तो इसको तो आप किसी को भी पूछिए, हम लोग वही दो तीन दिन में पूछ रहे हैं। जितना हम लोग इतना ये में अप्रूवली सपोर्ट किया था, क्या वो आप नाल एंड वॉइड को साथ में दिया था क्या? हर कोई बोलते हैं नहीं, नाल एंड वॉइड को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ये रिकन्सिडर करना है एकदम, डेफिनेटली इनको रिकन्सिडर करना चाहिए ये चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही काल को डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है ना, काल को ये उस दिन का जैन सैलाब जैसे उससे ज़्यादा लाएगा। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ को देखना चाहिए, हमारा क्लियर ये है ओपिनियन। थैंक यू। क्या था वो जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी का तहत तय किया गया है, जिसमें हमारा कोई ये नहीं है, तो इन लोग ने किया एज ए इंडिविजुअल नॉट एज ए एसोसिएशन, हमने सपोर्ट किया एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ये सोच के कि रिफॉर्मेशन लाना जरूरी है, रिफॉर्मेशन लाना तो जरूरी है ये कमीशन में, तो रिफॉर्मेशन के लिए लड़ाई लड़ा है। लेकिन ये जो नाल एंड वॉइड का जहाँ तक ये सवाल है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी जो एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ में ईटानगर में किसी रिश्तेदार का घर में, किसी रिश्तेदार का कॉमन रूम में सो के, सोफा में सो के एग्जामिनेशन क्रैक किया, इतने उस गरीबी का बैकग्राउंड से आने वाला, तो अगर ये नाल एंड वॉइड होगा तो इन लोग का जो मेहनत है वो तो खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग आदि
ऑल आदि यूथ एसोसिएशन समूह में ये कह रहा है कि चलो रिफॉर्मेशन तो ओके है, लेकिन नाल एंड बाइट को जो भी डिमांड कर रहा है या गवर्नमेंट भी अगर इसका साथ में सहयोग देता है तो उसको रोल बैक करे, इतना है बस। आप लोग गवर्नमेंट को भी गाली दिया है, गवर्नमेंट क्यों स्टैंड में नहीं लिया है? अब गवर्नमेंट किसका है? पब्लिक का है, पब्लिक ही आप वो टॉकिंग पॉइंट को मानो मारो मुझे प्रेशर दिया तो गवर्नमेंट तो करे, गलती किसका है? आप लोग अभी थोड़ा अभी गलती हो गया, हम पहले मांगा था, आप खुद ही मानता है, खुद ही रोल बैक करता है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट का गलती कैसे हो? नहीं देखिए, ये जो नाल एंड बॉइट का जो डिमांड है ना, वो तो पहले मुद्दा में नहीं, पर्स जो था वो चोर को पकड़ना है, हम लोग सब आप सब चाहता है कि चोर को पकड़े, और सेकेंड थिंग चेयरमैन को अरेस्ट करना है, क्योंकि उसका जो अंदर में अंडर सेक्रेटरी जो जो भी है एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, इन लोग ने पेपर बिक्री किया, तो हम लोग सबका दावा है कि बिना चेयरमैन का जानकारी के बगैर वो नहीं कर सकता, तो मेन मुद्दा तो वो है, उसके बाद में रिफॉर्मेशन लेके आना है, तो बाद में ये जो मुद्दा है वो चलते गया, आगे चलते गया, तब तो जाके ये नाल एंड बॉइट को सिपका दिया। मगरमास तो अब बड़ा मछली को जोकाता है, मगरमास इन द सेंस देखिए, हम तो मगरमास लोग को ब्रूक्रेट को लगता है, तो अभी ब्रूक्रेट को कोई कार है तो मगरमास होगा, हम बड़ा मछली हमने तो मीडिया में सुना है बड़ा मछली, तो बड़ा मछली को पकड़ना है तो बड़ा मछली को अभी कोई कह रहा है तो तू मगरमास होगा ना, तो ये बोल रहे हैं, हम पार्टिकुलर नहीं कर रहे, क्योंकि वो पहले से हम सुनने में आ रहा है कि बड़ा मछली को पकड़ने, अभी बड़ा मछली को कोई कह रहा है रिसेंट पास इंसिडेंट्स, और कुत्ता तो हम किसी इंडिविजुअल नहीं देखते, देखिए हम एक अपना के लिए हमको वी मस्ट नॉट फाइट एस अदर लाइक डॉग, ये मेरा सेंस है, क्योंकि एक इशू है ना, क्योंकि आपको हम इसलिए पूछा क्योंकि आपने आपसे अंशु और जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी को बोला कि आपस में लड़ रहा है, आपको लड़ रहा है, अब देखिए आप सारा मीडिया में देख रहे हैं ना, कोई जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से भी तो अनाप शनाप आ रहा है, अंशु को हमें तो पता नहीं है, अभी इसके लिए हम लोग यूनाइटेड होने के लिए अपील कर रहे हैं, सबको मिलकर काम कर रहे हैं, हाँ मिलकर काम कर रहे हैं, हम सब एक साथ है, जितना है सिर्फ हमारा डिमांड है कि नाल एंड बॉइट को आप हटा दो, सेक्टर क्लियर है, नाल एंड बॉइट को अगर क्लियर नहीं होगा उल्टा और मैंने प्रेक्शन लाता है इसमें, तो पहले क्यों नहीं आप नहीं नहीं ये गलत नहीं है सर, हम लोग साथ दे रहे हैं, जो APCS का जो बूथ काल में हुआ है जो वर्तमान में चल रहा है, तो हम भविष्य के लिए ना एटलीस्ट हम हमारा यंग जिले का नहीं है, लास्ट दो मंथ से इनका डिमांड आ रहा है, देखिए देखिए सर देखिए सीधी सी आप एकदम आंख बंद करके सपोर्ट करके आ रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा कि वो 30 पॉइंट डिमांड में कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत है, नहीं आप नहीं देखे, आप अंदाजा नहीं कर सकते, देखिए इसमें कोई लिमिटेड मेंबर्स होता है इसमें आपका चलाने का, आप प्रेसिडेंट है ना, हाँ हाँ आप प्रेसिडेंट साहब, हम क्लियरली आपको पूछ रहे हैं, आप शायद आप लोगों का जो क्वेश्चन आप समझ में क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है सर, 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड था, लगभग 6 महीना पहले प्लेस किया था सरकार को, लास्ट मोमेंट में प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेशन होके डेमोक्रेटिक मूवमेंट होकर के गवर्नमेंट के साथ में अंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो आपका संगठन कहाँ था उस समय 6 महीना पहले, नंबर वन, देखिए सर 1 पॉइंट में हम इसको आंसर करेगा सर, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपना जगह से सही है ना, हमारा एरिया से हमने सपोर्ट किया है, उस दिन बर्न के लिए किया है, हम पूरा रेडी था, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का इन्नू को दिया है, जो इन्नू का राइट अप है, इसको हम लोग कभी नहीं देखें, हम लोग का वॉइस हम लोग का सोच ये है कि ये अरुणाचल प्रदेश मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो घोटाला किया है, माल प्रैक्टिस हो रहा है, इसका अगेंस्ट में हम लोग लड़ रहे हैं,
तो ये चीज को हम लोग जोरदार सपोर्ट करें। कोई भी नहीं देखा है कि 13 पॉइंट डिमांड आप ये सही है ना गलत है, वो 13 पॉइंट में तो इन लोगों को लीडर बनाया है, वो लीड कर रहा है, उसका जो मांग है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन नालन बोहित को तो हम लोग को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं, आप को भी सोशल मीडिया में भी नालन बोहित का कोई डिस्कस हुआ नहीं है। देखिए अभी तो पूरा डिस्कस हो रहा है ना, उस दिन 18 का बाद ही आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नालन बोहित भी आ रहे हैं। तो ये ब्लफ नहीं था सर,